हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशी हैप्पी ब्लॉग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, शहरों में लॉकडाउन हो गए हैं, ऑनलाइन डिलीवरी सामान जो आते थे वो भी बंद हो गए हैं और दुकानें भी बंद हो गई है लॉकडाउन होने के कारण। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सैनिटाइज़र बनाने जा रही हूँ। मैं 3 टाइप के सैनिटाइज़र बनाऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। और जो भी सैनिटाइज़र मैं बनाऊँगी आज, उसके लिए जो भी सामान मुझे चाहिए वो आपको घर में इजीली मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को देखिए और जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे आप घर में भी खुद भी बना सकते हैं। आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मार्केट की जो होते हैं वो थोड़े महंगे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत ही कम दाम में ही आपको एक अच्छा सा बॉटल बन के तैयार हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं अपने पहला सैनिटाइज़र। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम हमें ऑन करना है और पतीले में थोड़ा पानी लेना है। इसे हमें अच्छे से उबालना है और इसके बाद में फिटकरी डालूंगी। फ्रेंड्स, पहले जब हमारे घरों में आरओ नहीं होते थे, फिल्टर नहीं होता था, तो ट्रेडिशनली फिटकरी का ही यूज़ किया जाता था और यहाँ पानी बॉयल नहीं करते तब भी चल जाता। फिर भी मैंने पानी बॉयल करके लिया है। तो फ्रेंड्स, पहला जो सैनिटाइज़र मेरा बनने वाला है वो इन्हीं चीज़ों से बनने वाला है। एलोवेरा जेल, नींबू, गुलाब जल, वैसलीन और फिटकरी वाला पानी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं एक बाउल में फिटकरी वाला पानी डाल रही हूँ। उसके बाद मुझे 1 से 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। इसमें अब रोज वाटर भी ऐड करनी है ताकि अच्छी सी स्मेल भी आ जाए सैनिटाइजर में। और फ्रेंड्स, इसमें लेमन जूस भी डालना है और कोई एसेंशियल ऑयल है तो वो भी डाल सकते हैं आप लेमन जूस की जगह। अब फ्रेंड्स, इसमें ऐड करनी है थोड़े से वैसलीन ताकि हाथ जो है वो सॉफ्ट रहेंगे। सैनिटाइजर को अप्लाई करने के बाद भी हाथ आपके ड्राई नहीं रहेंगे। और फ्रेंड्स, फिटकरी जो है वो एक बहुत ही बढ़िया सा एंटी फंगल होता है। और फ्रेंड्स, ये तैयार हो गया हमारा हैंड सैनिटाइजर। इसे मैं लगा के दिखाती हूँ। इसके अपोजिट साइड भी लगाना है ताकि आपके हाथ जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए और ये बहुत जल्दी अब्जॉर्ब भी हो जाता है।
तो फ्रेंड्स अब मैं अपना सेकेंड सैनिटाइजर बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले मैं लूँगी एलोवेरा जेल, जो बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है और हाथों को बिल्कुल सॉफ्ट बनाता है, और एलोवेरा जेल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिया है रबिंग अल्कोहल, इसके बहुत सारे यूज होते हैं। ये अल्कोहल बहुत सस्ते में किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाता है, क्लीनिंग शॉप पे मिल जाएगा आपको। और फ्रेंड्स आप 1 लीटर रबिंग अल्कोहल से न जाने कितने एक्सपेंसिव क्लीनर्स आसानी से घर में बना सकते हैं। और फ्रेंड्स रबिंग अल्कोहल जो है वो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। इसके बाद मैंने लिया है लौंग का तेल, जिसकी खुशबू आपको पसंद है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ मैंने लिया है बादाम का तेल, आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब बनाते हैं अपना हैंड सैनिटाइजर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और इसमें रबिंग अल्कोहल जो है वो 1/2 कप डाली हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल डालूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास बादाम का तेल था घर में, तो मैं बादाम का तेल यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद मैं लौंग का तेल डालूँगी। और फ्रेंड्स आजकल बहुत सारे ब्रांड्स के हैंड सैनिटाइज़र मिल रहे हैं, तो आपको कोई गारंटी नहीं है कि जो आप ख़रीद रहे हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव है या नहीं है, लेकिन घर में जो बना रहे हैं वो काफ़ी माइल्ड होगा, 100% इफ़ेक्टिव होगा। और फ्रेंड्स यहाँ मेरा हैंड सैनिटाइजर बनके तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स यहाँ मैं अपना थर्ड सैनिटाइजर बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपने बालकनी में एलोवेरा का पौधा लगाया है।
तो फ्रेंड्स मैं जो यहाँ पे तीसरा हैंड सैनिटाइज़र बनाने जा रही हूँ वो मैं इन तीन चीज़ों से बनाऊँगी। ये एलोवेरा हो गया, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डिटॉल लिए हैं और कोकोनट ऑयल लिया है। ये आसानी से आपको घर में मिल जाएंगे। अब इन तीनों को अच्छे से एक बाउल लेके अच्छे से मिक्स करना है। इसके लिए आप मिक्सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा तीसरा हैंड सैनिटाइजर बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे घर के सामानों से ही अच्छे खासे सैनिटाइजर बना लिए हैं और अच्छे क्वांटिटी में भी बना लिए हैं। और यही अगर आप बाज़ार में जाते हैं तो आपको महंगे दामों में मिलेंगे, और आजकल तो अवेलेबल है या नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम। तो ऑनलाइन डिलीवरी भी बंद हो गई, दुकान भी बंद हो गई है, तो आप ऐसे सैनिटाइजर बना के घर में भी सेफ रह सकते हैं और सैनिटाइज हमेशा हाथों को करते रहें। और ये मैंने छोटा पैक इसलिए बनाया, जैसे आप बाहर निकल रहे हैं घर से तो आप अपने पॉकेट में लेके भी जा सकते हैं, इसे बड़ा डब्बा तो लेके जा नहीं सकते, इसलिए मैंने ये छोटा पैक करके दिखाया आप लोगों को। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया है, और आप लोग भी इसे घर में ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले दिन एक नया वीडियो लेके, और अगर आपको मेरा होममेड सैनिटाइजर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए आप लोग अपने घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें।